हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो अब में से बहुत लोग की एक क्वेरी आ रही थी कि सर मास्क का या फिर पीपी किट का या फिर जो फेस कवर है या फिर ग्लव्स है इसका जीएसटी रेट क्या है और एचएसएन कोड क्या है। इसमें बहुत ही परेशानी आ रही थी, मिल नहीं रहा था। तो देखिए मैंने पूरा एक जो है सीट बना दिया है पूरे डिटेल के साथ और ऑलमोस्ट सारे जो आइटम्स हैं उसको कवर कर दिए हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं समझना भी है, क्लियर है, तो वो मैं समझा देता हूँ। बाकी ये जो सीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे अपना ईमेल आईडी बताइएगा, मैं आपको डायरेक्ट मेल कर दूंगा, क्लियर है। तो समझिएगा, मास्क जो है फैब्रिक का मतलब कपड़े का जो भी मास्क हम देख रहे हैं वो हरा वाला, नीला वाला जो डिस्पोजेबल होता है या फिर काला वाला कितने भी लेयर का हो, ठीक है, उसका जो एचएसएन कोड है वो है 6307 और उसका रेट है 5%। कहीं कहीं जो है आप ये जो एचएसएन कोड है इसको 6515 भी देखेंगे। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अलग तरह का फैब्रिक यूज कर रहा हो और कोई अलग तरह का फैब्रिक यूज कर रहा हो मास्क बनाने में, तो फैब्रिक के ऊपर एचएसएन कोड बदल जाएगा। तो नॉर्मली एचएसएन कोड बदल भी जाता है तो रेट आपका 5% ही रहेगा, क्योंकि बनाएंगे तो आप कपड़े का ही। अब ध्यान देना यह है कि ये 5% में कौन सा मास्क है, पहला तो आप जान गए कपड़े का मतलब कि ये जो है नॉन वूवन टेक्सटाइल है। दूसरा क्या, जिसमें किसी भी तरह का रिप्लेसेबल फिल्टर या फिर मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो है ये मास्क लगा रहे हैं जिसको वो लोग ऑक्सीजन मास्क बोल रहे हैं, ध्यान आ रहा है, जिसमें फिल्टर लगा रहता है एक नाक के पास छोटा सा। तो अगर वैसा मास्क है तो ध्यान दीजिएगा उस मास्क का जो रेट है वो है 12%। और साथ ही साथ जो भी आपका गैस मास्क आता है, आपने देखा होगा इसको ओटी में या फिर आईसीयू में, तो इसको हम लोग जो है 12% इसका रेट है और इसका जो एचएसएन है वो है 9020, जिसमें कि रिप्लेसेबल फिल्टर और मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे आप जो भी देख रहे हैं डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव स्पेक्टिकल्स या फिर गॉगल्स लगाते हुए, मतलब कि जो चश्मा लगा रहे हैं डॉक्टर्स, उसका एचएसएन है 9004 और 18% उसका जीएसटी रेट है। आगे देखिएगा प्लास्टिक ग्लव्स, प्लास्टिक ग्लव्स अगर आप यूज कर रहे हैं उसका एचएसएन है 4015 और रेट है 18%। उसी की जगह अगर आप रबर ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो उसका भी एचएसएन 4015, रेट है 18%। टेक्सटाइल ग्लव्स मतलब अगर कपड़े का ग्लव्स है तो 6116 और ये जो रेट है वो 5%। देखिए जहाँ भी आपको टेक्सटाइल या फैब्रिक दिख रहा है वहाँ एचएसएन कभी भी बदल सकता है, क्योंकि एचएसएन उस बात पे डिपेंड करता है कि उस आइटम को बनाने में आपने कपड़ा कौन सा यूज किया है। आप सबको पता है कि अलग अलग कपड़े का अलग अलग एचएसएन होता है, तो इस बात पे आपका एचएसएन बदल सकता है। बट टेक्सटाइल रहा तो टेक्सटाइल किसी भी तरह का हो रेट जो है आपको 5% ही रहेगा, क्लियर है। आगे आइएगा, आगे देखिएगा प्रोटेक्टिव गारमेंट्स मतलब कि डॉक्टर्स जो वो पूरा ऊपर से नीचे तक का ओवर कोट पहनते हैं फैब्रिक वाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1000 रुपये तक है, ठीक है, तो इसका जो एचएसएन है 6210 और 6307। यहाँ पे आपको अब कंफ्यूज होंगे कि सर दो एचएसएन क्यों हैं, बिल्कुल वही बात है, कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 6307 वाला है, अगर आप चाहें तो 6210 भी एचएसएन में डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट होगा 5%। और बाकी आपको पता ही है कि कोई भी गारमेंट जो है 1000 से ऊपर का होता है तो उसका जो रेट हो जाता है 12%। तो वही केस है यहाँ पे भी कि जो ओवर कोट है फैब्रिक जो बना हुआ है जो डॉक्टर्स मानते हैं, अगर वो 1000 रुपये से ज़्यादा का है तो एचएसएन वही रहेगा और रेट हो जाएगा 12%। आगे देखिएगा कि जो प्रोटेक्टिव गारमेंट्स है मतलब कि ये जो कोट है अगर प्लास्टिक का बना हुआ है, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, तो इसका एचएसएन कोड होगा 3926 और रेट होगा 18%। टेस्ट किट्स में एचएसएन जो है डिफरेंट है, ये मुझे पता नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा, रेट होगा 12%, ठीक है। इसमें 3 या 4 तरह के टेस्ट किट्स हैं तो वो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा जिनको जरूरत होगी। वेंटिलेटर जो है 9019, 12% जीएसटी रेट, और अपना जो सैनिटाइजर है हैंड सैनिटाइजर उसका एचएसएन है 3808 और रेट है 18%। तो आई होप इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी, मैंने तो सारी कवर करने की कोशिश की है, वो इसमें आ ही गई होंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो।